हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत सेरोटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 ऑफ आवर टॉपिक प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, चैप्टर टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग को 8 या मे बी एक और पार्ट बनाना पड़े। तो शुरू करते हैं, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक पिछले पार्ट्स में। तो बेसिकली ये ऑल टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है, सिर्फ एक टॉपिक रह गया है हमारा जिसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। ओके, तो LCM और HCF क्या है एक बार मैं बस क्विकली आप लोग को रिकॉल करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई दो या दो से अधिक नंबर्स हैं तो उनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं और उनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे 12 एंड 6 18 के अगर कॉमन फैक्टर्स को निकाले तो होगा 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, यही है। अब इनमें ये जो 6 जो है ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए HCF क्या कहलाएगा हमारे यहाँ पे? 6 कहलाएगा। ओके, अब फिर LCM क्या है? तो LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहां पे क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि हम लोग गिवन नंबर्स के मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर उनमें कॉमन मल्टीपल्स को निकालेंगे और उनमें जो सबसे छोटा होगा वो हमारा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 2 और 3 का हम लोग लेते हैं अगर कॉमन मल्टीपल्स तो क्या होगा, या 5 ले लेते हैं तो 2 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल्स होगा पहला हमारा होगा 10, 20, 30, ये सभी कॉमन मल्टीपल्स हैं, है ना। अब जैसे कि आप जानते हैं किसी नंबर के मल्टीपल्स हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसके कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इसका कोई एंड नहीं है, तो इसका जो सबसे छोटा होगा वही होगा हमारा LCM। तो ये हमारा जो एकदम बेसिक मेथड है LCM और HCF फाइंड करने का। इसके साथ साथ हम लोग LCM और HCF का जो अदर मेथड्स है लाइक डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हमने सीखा हुआ है प्रीवियस पार्ट में, आप ज़रूर उनको देखें और अच्छे से समझें, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं कि लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा, लेकिन अगर आप किसी नंबर का आप LCM निकालेंगे तो बेसिकली उसके HCF से वो ग्रेटर ही होता है, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान देंगे कि जो LCM आपका होगा वो गिवन नंबर से हमेशा बड़ा होगा, गिवन नंबर से। देखिए यहाँ पे 2 और 5 का जो LCM है 10, ये दोनों से बड़ा है, लेकिन जब आप HCF निकालेंगे तो गिवन नंबर से वो छोटा होता है या बराबर हो सकता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो LCM बराबर हो सकता है या बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है ताकि हम लोग को जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो हमारे लिए आसान हो जाए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न कम से कम रहे। तो चलिए अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे हर बार की तरह मैं आप लोग को बताता हूँ कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले उसको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है, तभी हम लोग उसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 टैंकर्स कंटेन 70 लीटर्स एंड 380 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। देखिए 2 टैंकर्स हैं, टैंकर समझ रहे हैं बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं जिनमें पेट्रोल्स को रखा जाता है। तो 2 टैंकर्स हैं, साइज जो भी हो, एक में 70 लीटर पेट्रोल है और एक में 380 लीटर पेट्रोल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। कंटेनर मतलब होता है कोई भी पात्र जिसमें हम लोग उसे या तो रख सकते हैं पेट्रोल को या उससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। विच कैन मेजर द पेट्रोल। अच्छा, यहाँ मेजर करने के लिए कंटेनर का हमको कैपेसिटी बताना है ना, जैसे कि पेट्रोल रखा हुआ है किसी टैंकर में, उसमें से आप कंटेनर को डाल के मेज़र करेंगे तो वो कितना उस कैपेसिटी मैक्सिमम हो सकता है, ताकि सो दैट बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड फॉर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, मतलब मैक्सिमम कितना उसका कैपेसिटी हो सकता है जिससे कि वो दोनों ही टैंकर को पूरा पूरा मेज़र कर सके, है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ऐसे 2 बार करें तो 2 बार, 10 बार मेज़र करें तो 10 बार, ये नहीं कि 10 बार और आधा बार, ऐसा नहीं, है ना, 10 तो पूरा हो गया और आधा फिर थोड़ा सा बच गया, आधा हो गया या 1/4 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा 10 तो 10, 11 तो 11, 12 तो 12, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हमें बताना है,
तो बेसिकली इस सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग को मैक्सिमम कैपेसिटी या लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर फाइंड करना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग जो गिवन नंबर से उसका HCF ही निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए समझना है कि समझिए इस बात को, जो कंटेनर से मेज़र कर रहे हैं उसका जो कैपेसिटी होगा 70 लीटर से कम ही होगा ना, 70 लीटर से कम होगा क्योंकि उससे हम लोग उसको मेज़र कर रहे हैं। अब 70 लीटर को कितनी बार मेज़र कर सकते हैं, तो अगर 1 लीटर का कंटेनर हो तो 70 टाइम्स मेज़र करेंगे, 2 लीटर का कंटेनर हो तो 35 टाइम्स मेज़र करेंगे, 5 लीटर का कंटेनर हो तो मे बी 5 से कितना 14 टाइम्स मेज़र करेंगे, राइट, है ना। उसी तरह से अगर हम लोग 380 को भी 5 लीटर के कैपेसिटी वाले कंटेनर से अगर मेज़र करते हैं, तो इसको हम लोग 76 टाइम्स मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 76 टाइम्स में पूरा वो मेज़र हो जाएगा। तो उसी तरह से हमको एक ऐसा कंटेनर का साइज़ बताना है या कैपेसिटी बताना है कि वो होल नंबर होल टाइम्स में उसको मेज़र कर पाए। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करना है, HCF फाइंड करना है, याद रखना है बस, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे इसको लिखेंगे, गिवन अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन द टैंकर्स, अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन द टैंकर्स क्या है, 70 लीटर एंड 380 लीटर। अब हमें वो कंटेनर का कैपेसिटी बताना है जो इनको पूरा पूरा मेज़र कर सके, राइट। तो सीधे हम लोग लिख देते हैं रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, इज इक्वल टू HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 70 एंड 380। मतलब ये जो नंबर हैं इनका HCF हम लोग निकालना है। और HCF कैसे निकालते हैं, तो वो तो हमें आता है, या तो हम लोग उसको डिवीजन मेथड से निकालें या फिर हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, 380 है उसको डिवीजन मेथड से निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स में 350, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, फिर 70 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 10 बचेगा, फिर 30 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में 30 हो जाएगा। मतलब HCF क्या हो गया, 10 हो गया। अब यही जो 10 है आंसर यहाँ पे हम लोग लिख देना, इज इक्वल टू 10 लीटर, ठीक है। मतलब नीचे आप HCF निकाल लेंगे और यहाँ पे आप उसका आंसर लिख देंगे, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ ए रोप विच कैन बी कट इंटू सेवरल पीसेस, विच कैन बी कट इंटू सेवरल पीसेस ऑफ लेंथ 12 मीटर्स, 18 मीटर्स एंड 48 मीटर्स, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा लेंथ हो गया, चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। खैर क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। देखिए एक रस्सी है, रोप मतलब रस्सी होता है, हमको उस रस्सी का लीस्ट लेंथ बताना है। लीस्ट मतलब कम से कम कितना लंबा रस्सी होना चाहिए, कम से कम कितना लंबा, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन कम से कम कितना लंबा होना चाहिए कि उसको अगर हम लोग 12 मीटर के लंबाई में अगर काटे, जैसे कि ऐसे समझते हैं हम लोग कि एक रस्सी है, ठीक है। अब ये कितना मीटर है हमको नहीं पता, डोंट नो, लेंथ इज इक्वल टू नहीं पता, हमें पता करना है। अब इस रस्सी को हम लोग 12 मीटर करके काटते हैं, मान लीजिए यहाँ से होता है 12 मीटर, फिर यहाँ हो गया 12 मीटर, तो इस तरह से हम लोग जब काटते हैं तो कितना हम लोग मतलब काटें कि एकदम पूरा पूरा कट जाए, 12 से कट जाए, यानी कि 12 से डिवाइड हो जाए, इस ऐसा समझ में आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब इस रस्सी का लेंथ 12 से डिविजिबल होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो क्या होगा कि कुछ बच जाए, कुछ हिस्सा बच जाएगा, है ना, 12 से छोटा हो जाएगा। तो 12 से पूरा पूरा कट जाए उसके लिए क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द रोप 12 से डिविजिबल होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग 18 लेंथ का काटें, मतलब 18 लेंथ का काटें, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 18 हो गया, फिर इस तरह यहाँ से यहाँ तक 18 हो गया, तो इस तरह से अगर हम लोग काटें
तो भी बचना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ये नंबर 18 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सिमिलरली 48 मीटर का लेंथ से भी अगर काटें तो भी कुछ बचे नहीं, यानी कि 48 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम लोग इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम यही होता है जो गिवन नंबर से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। द रिक्वायर्ड लीस्ट लेंथ ऑफ अ रोप इज इक्वल टू, सिंपल है, द रिक्वायर्ड लीस्ट लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ 12, 18 एंड 48। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है 144 मैंने आंसर लिखा हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, 144 आना चाहिए। तो हम लोग निकालते हैं इसका एलसीएम 12, 18 एंड इसको हम लोग डिवीजन मेथड से इसको भी निकालते हैं, ठीक है ना। क्विकली से हो जाता है। तो 2 से 6 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, और ये 24 टाइम्स में। अगेन फिर 2 से 3 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, आई मीन 9 तो डिविजिबल होगा नहीं 2 से, तो इसीलिए इसको हम लोग सिंपली वही लिख देंगे, ये 12 टाइम्स में। अब ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 1 टाइम्स में, 3 टाइम्स में और 4 टाइम्स में। अब आप ध्यान दें, 1, 3, 4 इनमें कोई, ये तीनों को प्राइम नंबर है, तो हम लोग फर्दर अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3 × 4, कितना हुआ 144 ही हो रहा है, ठीक है। तो जो यही हमारा आंसर था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 144। अब ये लेंथ है ना, तो 144 क्या होना चाहिए? मीटर्स होना चाहिए। ये भी ध्यान देना है, आंसर सिर्फ नंबर नहीं निकालना है, हमको ये भी बताना है कि उसका यूनिट क्या है। तो मीटर्स में हम लोग सब यूज़ किए हैं, तो मीटर्स लिख देंगे आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड ऑल दिज नंबर, है ना, वेन 3 इज एडेड टू देम। मतलब हमें एक ऐसा नंबर बताना जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। कब कब डिवाइड करें? जब इन तीनों नंबर में हम लोग 3 ऐड करें, ठीक है। अभी नहीं डिवाइड होगा, जब इनमें हम 3 ऐड करेंगे तब डिवाइड होगा। तो आप ऐसे भी समझ, जब भी हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो, हाईएस्ट नंबर फाइंड करना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन इसको चलिए कर लेते हैं। गिवन नंबर्स क्या है? 89, 112 एंड 158। हमें क्या फाइंड करना है? द ग्रेटेस्ट नंबर। तो थस द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू। तो अभी हम लोग को एच सी एफ तो निकालना है, लेकिन ये जो गिवन नंबर्स है 89, 112, 158, कान एक्चुअली में इनका नहीं निकालना है, इनमें 3 ऐड करने के बाद डिवाइड हो रहा है ना, तो इसीलिए इन सब में 3 ऐड करके हमको निकालना, मतलब इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो एच सी एफ ऑफ 89 + 3 = 92 and here 115, वो 89, 112, 115, और इसमें जब हम लोग 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 161। तो ये हमारे हो गए नंबर्स। अब इनका एच सी एफ हमको निकालना, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लोग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। डिवीज़न मेथड जो होता है वो थोड़ा क्विकली हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे नंबर्स क्या क्या हुए थे? 92, 115 एंड 161। यस, तो ये मैंने नंबर लिखा है साइड में ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दो नंबर लेंगे और उनमें से जो बड़ा होगा उसको छोटे से डिवाइड कर देंगे, तो 1 टाइम्स में जाएगा। देखिए हम लोग जो सीखे हैं उसको रिवाइज भी हम लोग करते जा रहे हैं। तो अगर आपको एच सी एफ या एल सी एम निकालने में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका डिफ़िकल्टी धीरे धीरे दूर होता जाएगा।
टू 23 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो प्रीवियस डिवाइजर है उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, आई थिंक फोर टाइम्स में, यस yes. तो मतलब ये जो दो नंबर है हमारा 92 और 115, उसका 23 आ गया, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो 23 हो गया इसका, एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एचसीएफ है इन दोनों नंबर का, फिर उसको डिवाइड, उससे डिवाइड कर देंगे जो रिमेनिंग नंबर है। तो आई थिंक ये आपका डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में। हाँ यस, 7 टाइम्स में हो जाएगा 161। मतलब ये जो गिवन नंबर है इन दोनों ही को डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो गया, यही हो गया नंबर, एचसीएफ इज इक्वल टू 23। तो यही आंसर अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, 23। मतलब 23 वो नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा जब इन तीनों में हम लोग 3 ऐड कर देंगे। ऑलराइट, तो ये भी क्लियर हो गया। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 332 एंड 370 विथ रिमाइंडर 4 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन को समझना है, मतलब एक ऐसा नंबर है जिससे जब हम 332 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 4 बचता है, और 370 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। वो नंबर कौन है हमें नहीं पता। चलिए इसको समझते हैं कैसे तरह से। एक नंबर है हमारा ए, इस नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं 332 को तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 4। मतलब ये 4 जो है एक्स्ट्रा है, राइट। तो ये 4 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ए से डिविजिबल हो जाएगा। अब यही नंबर ए है जो जब 370 को हम डिवाइड करते हैं ए से, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। मतलब यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, अगर इस 1 को माइनस कर दें तो ये नंबर ए से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो और चलिए हम लोग इसको ऐसे भी देखते हैं, 369 इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, आई मीन माइनस करेंगे 1 तो, और इसमें जब आप करेंगे तो 328 हो जाएगा, माइनस करते हैं तो 14। ओके, तो 41 आना चाहिए, ऐसे भी आ रहा है, बट हम लोग अब सॉल्व करके इसको देखते हैं, ठीक है। समझ गए ना, मतलब एक नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड किए तो 4 रिमाइंडर बचा, और इसी नंबर से जब इसको डिवाइड किए तो 1 रिमाइंडर बचा। यानी इसमें से अगर हम लोग माइनस 1 कर दें तो ये नंबर मतलब 369 ए से डिविजिबल हो जाएगा, और 332 में से अगर 4 माइनस कर दें तो ये नंबर मतलब 322 ए से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको ये ए नंबर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो हमें ये रिमाइंडर को माइनस करना है, ठीक है। रिमाइंडर को माइनस करते हैं हम लोग, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ किसका किसका, तो 332 में से हम लोग को 4 माइनस करना पड़ेगा, और 370 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा अभी हम लोग समझे उसको, क्योंकि 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर 4 को माइनस करेंगे तभी वो डिविजिबल होगा, और 1 इसमें से माइनस करेंगे तब वो डिविजिबल होगा, और ये कॉमन नंबर है तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए उन दोनों नंबर का, तो इसलिए हम उसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, और ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, राइट। तो इसलिए हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ, जब 4 माइनस कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 328, और ये हो जाएगा 369। चलिए अब इनका एच सी एफ निकालते हैं, छोटा सा आई थिंक इतना में हम लोग निकाल पाएंगे। ओके, तो 328 369 1 टाइम्स में ही जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41, अब 328, तो ये 8 टाइम्स में जाएगा, 8 1 8 8 4 32। ओके, सो हमारा एच सी एफ कितना आ गया, 41। तो 41 इज़ द आंसर, बट आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 7, तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपके बुक में 7 दिया है तो आई थिंक इट इज़ अ मिस्टेक। आंसर इसका जो करेक्ट होगा वो होगा 41। ऑलराइट, दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपके बुक में दिया है 7, तो इसलिए मैंने आपको मेंशन करके क्लियर कर दिया, राइट। 41 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। टॉम हैज 72 इंचेस ऑफ कॉपर वायर एंड 42 इंचेस ऑफ स्टील वायर। मतलब टॉम कोई पर्सन है जिनके पास दो तरह के वायर हैं, एक कॉपर वायर और एक स्टील वायर। कॉपर वायर की लेंथ है 72 इंचेस एंड स्टील वायर की लेंथ है 42 इंचेस। अब करना क्या है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द लार्जेस्ट पीस ऑफ वायर ही कैन कट सो दैट ईच पीस इज द सेम। मतलब हमें क्या करना है
कि सेम लेंथ का वायर डिवाइड करना, मतलब जो 72 इंचेस है उसको हम लोग को सेम लेंथ में डिवाइड करना है, और वही लेंथ फिर 42 इंचेस का भी होना चाहिए। मतलब एक ऐसा लेंथ हमको चाहिए जो दोनों ही नंबर को डिवाइड कर दे, और लार्जेस्ट है ना, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट है, तो फिर अगेन यहाँ भी हम लोग को HCF ही निकालना है। तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है, सॉल्व योर सेल्फ। आप करेंगे क्या, तो सिंपली लिख देंगे द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच पीस, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू HCF ऑफ 72 एंड 42, और फिर HCF निकाल देंगे जैसे हम लोग निकाल रहे थे, और आंसर लिख देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 12, 18, 40 एंड 45। अब नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी और समझने वाला भी है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले समझते हैं करना क्या है हमें। हमें एक ऐसा नंबर बताना है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच, मतलब इस बार ये जो चार नंबर दिए गए ना इससे वो डिविजिबल है, यानी वो नंबर बड़ा है इन सभी से, तभी तो वो नंबर इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। और बड़ा कौन सा होता है, तो हमेशा कॉम मल्टीपल्स जो होते हैं वो गिवन नंबर से बड़े होते हैं। मतलब हमें यहाँ पे HCF नहीं निकालना है। आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि हर बार हम लोग जब ग्रेटेस्ट नंबर निकाल रहे थे तो HCF निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग HCF नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये सभी नंबर उस गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है ना। अब वो नंबर जब डिवाइड हो रहा था ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा होगा, और बड़ा कौन होता है, मल्टीपल होता है, फैक्टर तो कभी बड़ा होता नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल निकालना है। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर वो ग्रेटेस्ट कैसे, ग्रेटेस्ट तो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल निकाल नहीं सकते। तो चलिए इसको बना के फिर समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे एक छोटा सा बात ये ध्यान देना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स, यहाँ पे कंडीशन है फोर डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। मतलब ऐसा ग्रेटेस्ट हम लोग निकाल सकते नहीं, अगर लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो, कंडीशनल बेस्ड हो, तो हम लोग उस ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम लोग। गिवन नंबर कौन कौन से हैं, गिवन नंबर हमारे 12, 18, 40, 45। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। नाउ पहले इन सभी नंबर्स का LCM निकालते हैं। 12, ट्वेल्व, 18, 40, 45, ठीक है। डिवीजन मेथड से निकालते हैं हम लोग। इसमें आप देख सकते हैं तीन नंबर जो हैं वो टू से डिवाइड हो सकते हैं, तो पहले टू से डिवाइड करते हैं। सिक्स टाइम्स में समथिंग प्रॉब्लम ओवर हियर, 20 टाइम्स, एंड दिस 45 इज नॉट डिविजिबल बाय टू, तो हम लोग को क्या करना है, 45 को ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अभी भी दो नंबर है जो टू से डिविजिबल है, तो अभी भी हम लोग उसको टू से डिवाइड करेंगे। थ्री टाइम्स, नाइन नहीं है तो नाइन को नाइन ही लिख दें। टेन टाइम्स में ये होगा और ये 45 लिख देते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग स्लो चल रहे हैं अभी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री नंबर्स जो हैं वो थ्री से डिविजिबल हैं, तो थ्री से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। वन टाइम्स, थ्री टाइम्स, ये तो डिवाइड होगा नहीं, एंड दिस 15 टाइम्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दो नंबर है जो हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, फाइव से, तो फाइव से डिवाइड कर देते हैं। वन, थ्री, टू एंड थ्री। तो अभी भी यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है
मतलब दो नंबर हैं जो थ्री से डिविजिबल है, तो हम लोग थ्री से इसको आगे प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वन, ये भी हो जाएगा वन, ये टू और ये थ्री, सॉरी ये वन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एलसीएम क्या हो गया, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री टू टू थ्री फाइव थ्री एंड यहाँ पे एक टू बचा हुआ है। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, टू टू जै फोर थ्री जै ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जै सिक्सटी, 180 एंड 360 हो गया, 360 हुआ एलसीएम हमारा। अब यहीं से आपको समझना है 360 एलसीएम हो रहा है हमारा, मतलब 360 एक ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर सभी से डिविजिबल है, और हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन सभी से डिविजिबल तो हो लेकिन फोर डिजिट का हो और ग्रेटेस्ट हो। तो ये हम लोग अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए अब आप ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग 360 जो है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकला है। अब अगर कोई दूसरे नंबर की हम बात करें, 360 के ठीक बाद का कोई अगर नंबर हम बात करें जो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो, तो वो क्या होगा, 360 का मल्टीपल होगा। मतलब अब हमें यहाँ एक 360 का मल्टीपल फाइंड करना है जो ग्रेटेस्ट नंबर हो और फोर डिजिट का हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है हमारा, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है, होता है 4 times 9, यही होता है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो अगर हम लोग 9999 को अगर 360 से डिवाइड करें, नाउ समझिएगा, ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है ध्यान से। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करते कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 times में, हाँ 36 टू ज़ा 720, माइनस करेंगे 72, फिर आएगा 9 ऊपर से, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो आई थिंक 4 times, 7 times में इट शुड, मतलब 7 times में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0, 7, 6, 42, 4 and 25, तो सब्ट्रैक्ट किए तो हो गया 279। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो हमारा ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है 9999, इसको जब हमने 360 से डिवाइड किया तो कितना बच गया रिमाइंडर, 279। मतलब रिमाइंडर क्या होता है, वो एक्स्ट्रा होता है। मतलब अगर इस नंबर को हम इसमें से माइनस कर दें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो 360 से डिविजिबल होगा, राइट। तो अब यही हम लोग करते हैं, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज इक्वल टू नाइन 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 माइनस 279, सब्ट्रैक्ट किए तो हो गया 0279 एंड दिस इज़ द आंसर। क्यों, क्योंकि जब हमने 279 माइनस कर लिया तो जो हमें नंबर मिला वो 360 से डिविजिबल होगा, और जब ये 360 से डिविजिबल है तो उन चारों नंबर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना, और ये ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है। तो इस तरह से हमने आंसर अपना फाइंड कर लिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 7 इज डिविजिबल बाय 12, 16, 21 and 28। डिमिनिश्ड बाय 7 मतलब 7 जब उसमें से हम लोग कम कर दें तब वो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप लोग खुद करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। आपको फाइंड करना है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स और फिर उसमें 7 प्लस कर देना है, तो वही आपका हो जाएगा आंसर। मतलब जो एलसीएम है आपका, पहले आप निकालेंगे इन सभी नंबर का एलसीएम और फिर आप उसमें प्लस 7 कर दें, वही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 हम लोग कम किए थे तब डिवाइड हुआ था,
सेवन कम किए थे तब डिवाइड हुआ है, यानी कि जो एक्चुअल नंबर है क्या होगा उसमें प्लस सेवन करना पड़ेगा, राइट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप खुद करिएगा। ये सिंपल है। नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। ये तीन लेंथ गिवन है, तो ये भी ये सिंपल है। इसमें देखिए करना क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताना है जो इन सभी लेंथ को पूरा पूरा मेजर कर दे। तो यहाँ पे दिक्कत बस यही है आपको कि ये मीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर में है, और ये भी मीटर सेंटीमीटर में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अब जब ये तीनों सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गए और फिर इनका हम जब HCF निकाल लेंगे तो वही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। जो HCF आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, राइट। तो इसको भी आप खुद कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ओके सो दैट्स ऑल। इसी के साथ हम लोग का आज का ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा कुछ केस बेस्ड स्टडीज़ टाइप क्वेश्चन है और एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट जो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट पार्ट में उसको कंप्लीट करके हम लोग फिर नए टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।